सिलवासा कला केंद्र में आयोजित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 52 औद्योगिक लाभार्थियों को 19 करोड़ रुपए की दी गई सब्सिडी धनराशि। मैं आपको बताऊं कि इसमें 5-6 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि उद्योग कर्मी, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग और इंडस्ट्रीज को और टैक्स पेयर को इतना सम्मानित किया जा रहा है अपने अपने ढंग से। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि उद्योग और उससे जुड़े हुए लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। जैसे हमारे बड़े भाई साहब अजीत यादव जी ने कहा कि ये एक संजीवनी की तरह है जो आज उनको सब्सिडी दी गई, कैपिटल सब्सिडी और डिफरेंट सब्सिडी जो 2015 के बाद से ही सब चालू हुई चीज़ें इंसेंटिव देने की। तो ये उद्योग में जैसा 2 साल में अपने देखा कि पैंडमिक पीरियड को लोगों की हालत बहुत या दूसरे व्यापारों की भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी, तो ऐसे में सब्सिडी पाना, कैश सब्सिडी मिलना लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और वेलकम है, कहते हैं वेलकम नोट सही है, इसको अच्छे रूप में लेना चाहिए। और उद्योग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे क्योंकि जो उद्योगों के लिए वातावरण जो हमारे माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने यहाँ वातावरण उद्योगों के लिए बनाया हुआ है हर तरीके से, वो काफ़ी हद तक दूरगामी इसका परिणाम आएगा और उद्योग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और यहाँ का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों को कार्यान्वित किया गया है। आने वाले समय में नए औद्योगिक नीतियों को नए सिरे से कार्यान्वित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले उद्योगों के लिए आज सिलवासा के कला केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के तहत संघ प्रदेश प्रशासक के सलाहकार अनिल कुमार सिंह ने उद्योगपतियों को सब्सिडी की धनराशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर अनिल कुमार सिंह ने औद्योगिक जगत से अनुरोध किया कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक के बीच में दादरा नगर हवेली और दमन दीव औद्योगिक निवेश के हिसाब से सबसे अनुकूल और सुरक्षित तथा औद्योगिक वातावरण के अपेक्षित अवसर उपलब्ध है और प्रशासन पूरी तरह से औद्योगिक निवेश को सुरक्षित बनाने की हर कोशिश में लगा रहता है।